आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडेक्स फार्मूले कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलो देखते हैं इंडेक्स फार्मूले कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शीट बनाए मैंने और इस शीट में कुछ डेटा मैंने अप्लाई किया। देखो तो डेटा है यहाँ पे आइटम्स जो भी पर्टिकुलर आपका होगा वो यहाँ पे मैंने दिया है। सॉरी, यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे उस क्वांटिटी का टोटल प्राइस। तो ये होगा आपका पूरा डेटा। यहाँ पे मैंने कुछ आइटम्स रखा है, बेयरिंग से लेके फिक्शन प्लेट तक। ये कुछ ऑटोमोबाइल का जो पार्ट है उस हिसाब से उसका क्वांटिटी, उस हिसाब से उसका टोटल प्राइस। तो मान लेते कि ये कब अप्लाई करना है या कैसे अप्लाई करते। मान लेते कि कोई आपका कोई शॉप होगा तो यहाँ पे अगर आपके पास नंबर ऑफ ये जो आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स गिवन होंगे बड़े, आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा होगा तो आप क्या करोगे, हर एक आप स्क्रोल नहीं करते बैठोगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, आप डायरेक्टली उसका आइटम्स का जो भी आपका नंबर होगा उसका एड्रेस करो और डायरेक्टली आप यहाँ पे शो करो तो आपको उसका जो भी डेटा चाहिए आप उसको मिल जाएगा। तो देखते हैं, चलो कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मुझे शो करना है, तो इसको मैं ज़रा सा बड़ा कर लेता हूँ या इसको, ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा, मतलब समझ में। तो अप्लाई कैसे करना है उसके पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक फार्मूला लगा है, तो इंडेक्स फार्मूला जब भी लगाएंगे तो इंडेक्स फार्मूला करता कहें एक्चुअली आपका जो भी गिवन डेटा रहेगा, जो भी आप डेटा दोगे उसका आपको एड्रेस यहाँ पे आपको दिखाएगा। मतलब वहाँ उसका क्या है, इनडायरेक्टली आप क्या करोगे, जितना भी आपका डेटा होगा उसका आपको अगर एड्रेस चाहिए तो आप एड्रेस दोगे और उसका आपका डेटा जो भी होगा उसका पर्टिकुलर या क्वांटिटी टोटल प्राइस वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो इंडेक्स का मतलब होता है कि आपको सिर्फ एड्रेसिंग करने कोई भी, तो आप कहाँ पे एड्रेस करना चाहते हो वो एक सेल रहेगा और कहाँ से एड्रेस करना चाहते हो वो एक आपका पर्टिकुलर डेटा होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा मैं ऊपर लेता हूँ। देखो पहले क्या करना है, फॉर्मूला देखो, यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे टाइप करना है आपको इंडेक्स, फिर ब्रैकेट। अब यहाँ पे पूछा है, देखो एरे रेंज मैं लेता हूँ, आपको एक तो पर्टिकुलर चाहिए तो आप सिर्फ आइटम ले सकते हो या क्वांटिटी ले सकते हो, टोटल प्राइस मैं लेता हूँ पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, या आप यहाँ से भी ले सकते हो। अगर यहाँ से लिया तो ये सीरियल नंबर हो जाएगा 1 और ये 2 हो जाएगा, मैं यहाँ से लेता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं। ले लिया डेटा, यहाँ पे वो आपका जितना भी डेटा है वो एरे रेंज आ गया, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, आपको कॉमा देना है, कॉमा दिया मैंने। अब क्या करना है, आपको वो लुकअप का जो भी वैल्यू होगा या उसका सेल नंबर होगा वो आपको देना है। तो देने के लिए आपको क्या कर रहे हैं, उसका सिर्फ सेल नंबर का सिर्फ आपको पर्टिकुलर वैल्यू देना है, ना कि आपको ए बी सी डी उस फॉर्म में देना है। मतलब यहाँ पे देखो B2 यहाँ से BE12 तक, तो ये शो नहीं करना है आपको, सिर्फ अगर यहाँ से शो करना है तो आप 2 दे सकते हो। तो यही आपको इसमें करना है, आपको सिर्फ उसका वैल्यू देना है, उसका सेल का वैल्यू देना है, जो भी नंबर होगा उसका वो नंबर देना है आपका, सेल का एड्रेस पॉइंट नहीं देना। जैसे कि बी में B2 होगा, B3, ये नहीं, बी में ए, ये अगर ये बी पहला रेंज है तो यहाँ पे 1, 2, 3 जो भी आपको होगा वो दे दूंगा। तो मान लेते कि मुझे ये देना है, ठीक है, और मुझे ये शो करना है कि इस नंबर पे कौन सा आपका आइटम्स है। तो मैं शो करता हूँ सपोज ब्रेक लेनर, तो यहाँ से काउंट करेंगे यहाँ तक। अब ये कितना है आपका, 2 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये काउंट हो रहा है यहाँ से सिलेक्ट किया, मतलब ये 1 से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा आपका अभी यहाँ पे हो जाएगा, ये टोटल नंबर हो जाएगा इसका 7, ठीक है। तो मैं देता हूँ पहले आपका उसका 7, मतलब क्या किया मैंने, पहले रो दिया तो आप जो दिखा सकते हो वो भी दिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने दिया 7। और उसके बाद में मैं यहाँ पे कॉमा करके लिखता हूँ उसी का कॉलम, पहले लिया मैंने रो, अब ले मुझे लेना है कॉलम। तो किस कॉलम में ये 1 और ये 2, यहाँ से 1, ये 2, 2 में ये नंबर वाला ये ब्रेक लेनर, तो मैं यहाँ पे करूँगा 2, ठीक है, और इसको मैं करूँगा ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर देता हूँ, होगा, यहाँ पे देखो ब्रेक लेनर आ गया। तो इसी तरह आपको यही करना है, ये एक हो गया। दूसरी मेथड ये है इसमें कि अगर आपको ये कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो आप क्या करो, डायरेक्टली यहाँ पे लिखो इंडेक्स, ठीक है, मैंने टैब दिया। इंडेक्स देने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर मान लेते कि मुझे सिर्फ ये पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करो यहाँ से यहाँ तक, या सिर्फ मुझे चाहिए ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे दिया कॉमा
और मुझे इसमें से कौन से नंबर का सेल चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि मुझे ये नंबर का सेल चाहिए, 8 नंबर का, तो ये यहाँ से काउंट किया मैंने। देखो यहाँ से सिलेक्ट किया मतलब यहाँ से काउंट करेगा 8 नंबर का कौन सा, ये वाला। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 8 दे दूंगा, 8 मैंने प्रेस किया और ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर दिया। देखो उसकी भी वैल्यू आ गया। तो आपको यही इसमें फर्क आएगा कि इंडेक्स जो भी आपका होगा फॉर्मूला वो डायनामिक पे वर्क करता है, मतलब आप इसमें कितना भी ऐड करो चेंज करो वो उसके हिसाब से यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, आप पूरा टेबल ले लो या सिंगल कॉलम ले लो या सिंगल रो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी आप सिलेक्ट करोगे वही डेटा आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसको अगर आप देखना चाहते हो तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। देखो ये वापस मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मान लेता हूँ कि मुझे यहाँ से टेबल चाहिए सिर्फ ये और ये दोनों। ठीक है, अभी हमने 1 से किया तो इसको दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, कॉमा दिखाऊंगा, फिर कितने नंबर का मुझे चाहिए, मुझे 10 नंबर का चाहिए, तो ये यहाँ से काउंट करेगा 1 to 10। तो मैं यहाँ पे देता हूँ 10 और कॉमा, ये आपका कॉलम होगा पहले नंबर का, तो 1 नंबर दे दो, प्रेस करो और एंटर दे दो। देखो फिक्शन प्लेट आ गई, तो यही है इसका मतलब। तो ये हो गया आपका इंडेक्सिंग। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इंडेक्सिंग आप जब भी करोगे तो आपको एड्रेस दिखाना पड़ेगा। एड्रेस दिखाने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इंडेक्स अरे का रेंज कौन से रेंज में लेना है, इस कॉलम में, इस कॉलम में या इस कॉलम में, या पूरा का पूरा टेबल वो सिलेक्ट करो। उसके बाद में लुकअप वैल्यू और सेल नंबर दे दो। सेल नंबर आपको इन डिजिट में देना है, अल्फाबेट लगाना नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो आप दो तरीके से दे सकते हो, एक तो सिंगल सिंगल, यहाँ पे मैंने 2 दिए, मतलब एक तो ये 10 मतलब ये होगा आपका लाइन और दूसरा वाला होगा आपका कॉलम। मतलब लुकअप वैल्यू में आप 2 तरीके से दे सकते हो, एक तो आप सिर्फ उसका एड्रेस नंबर सिंगल दे सकते हो, मतलब ये नंबर ये नंबर ये नंबर, या आप दोनों रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों से दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यही था आज का आपका वीडियो, थैंक यू।